हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन आ गया है तो अभी कोई ना कोई सूप चाहिए जो हमें दिन भर फिट रखे, या आप रात में डिनर से पहले भी सूप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि जब मैं सूप बनाना शुरू कर रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी सूप, जो लेमन कोरिएंडर विथ वेजिटेबल्स। ये बहुत ही डिलीशियस सूप है फ्रेंड्स। ये घर में जैसे हम बाहर सूप लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या उस सूप में डालते हैं, लेकिन आप घर में जैसे मैंने बनाया है, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप बनाया है, बहुत ही हेल्दी बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कोरिएंडर लेमन सूप विथ वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कर दीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, लेमन कोरिएंडर विथ वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ लेमन, थोड़ा सा कोरिएंडर, हरा धनिया जो धो के अच्छे से कट कर दिया है, और मैंने वेजिटेबल्स में लिया है एक छोटा सा गाजर लिया है जो पतला पतला काट दिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है जो पतला पतला काट दिया है। सब जो वेजिटेबल्स एकदम पतला पतला कट करना है, और एक फ्रेंच बीन्स लिया है, दो लिया है फ्रेंच बीन्स, छोटा छोटा पतला पतला करके काट दिया है। एक हरी मिर्च लिया है जो पतला पतला करके काट दिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है जो पतला पतला करके काट दिया है, आप उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स जो पतला पतला कट करना चाहिए, ये देखिए एक छोटा सा प्याज लिया है जिसे पतला पतला मैंने काट दिया है। वेजिटेबल्स में मैंने ये सब चीज़ें लिया है। और फ्रेंड्स, जो हम सूप बनाएंगे, सूप के लिए हमें कॉर्नफ्लोर भी चाहिए उसको थिकनेस के लिए, नहीं तो वेजिटेबल्स एक तरफ पानी एक तरफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका घोल बनाएंगे, और मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, और एक देखिए ये ब्लैक पेपर लिया है जो दरदरा कूट दिया है। और फ्रेंड्स, बाहर जैसे हम सूप पीते हैं तो अजीनोमेटो ये सब डालते हैं, जिससे हमारा हेल्थ खराब भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अगर घर में सूप बनाते हो तो अजीनोमेटो को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं लेमन कोरिएंडर विथ वेजिटेबल सूप बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, सूप बनाने के लिए देखिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जीरा नहीं डालेंगे, इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम लहसुन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे अदरक लहसुन को। फ्लेम हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रख के ही अदरक लहसुन को फ्राई करना है। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो हरी मिर्ची लिया है, अभी हरी मिर्ची को डाल देते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सूप है, अभी विंटर आ गया है तो डेली कोई ना कोई सूप चाहिए, लेकिन ये जो सूप है हमारा, ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम इससे इसमें क्या कर रहे हैं, सारे वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, फिर इसमें हरा धनिया भी डाल रहे हैं और लेमन भी डाल रहे हैं। और जो हमने काली मिर्च लिया है, वो काली मिर्ची से क्या होता है, काली मिर्ची बॉडी को गर्म करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अदरक लहसुन डाल के, मिर्ची डाल के फ्राई कर दिया है, अभी हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स डाल देते हैं। देखिए फ्लेम कम कर देंगे, पत्ता गोभी डाल दिया है, गाजर डाल दिया है, और फ्रेंच बीन्स भी डाल दिया है, और हमने जो प्याज कट करके डाला है वो भी डाल देते हैं। मैं ये जो सूप बना रही हूँ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी का वेजिटेबल्स आपको लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, क्या करेंगे, दो मिनट तक
इसको क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देते हैं। वेजिटेबल्स आपको पूरा पतला ही काटना है, एकदम जितना पतला हो सके, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट क्रंची क्रंची रखना है वेजिटेबल्स को, तो 2 मिनट तक अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पर रखना है, ना हाई करना है ना लो करना है, मीडियम फ्लेम पर रख के 2 मिनट तक अच्छे से वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, मैंने मीडियम फ्लेम पर रख के कंटिन्यूस वेजिटेबल्स को चलाया है। अभी हमारा वेजिटेबल्स जो क्रंची क्रंची बन गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने काली मिर्ची और नमक लिया था उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो चारों ओर हमारा जो ब्लैक पेपर और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए वेजिटेबल में। देखिए अभी मिक्स हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें पानी दे देंगे, पानी डाल देंगे। पानी डाल के क्या करेंगे, इसको वेजिटेबल जो हमने सब डाला है, पानी डालेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे से एक बॉयल आने देते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक मिक्सचर बना दिया है। देखिए एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया है। जब हमारा पानी वेजिटेबल बॉयल हो जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, तब उसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और लेमन कोरिएंडर जो हरा धनिया लिया है उसको भी ऐड करेंगे। तो पहले एक बॉयल आने देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी वेजिटेबल्स में बॉयल आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इसको थोड़ा सा थिकनेस आने देते हैं, तब हमारा सूप जो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद हम लेमन कोरिएंडर डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने लेमन लिया है, अभी मैं इसमें लेमन डाल देती हूँ। और जो हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लिए रखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास हरा प्याज है तो आप इसमें डाल सकते हैं, उससे हरा प्याज भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इसको थोड़ा सा ठीक होने देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारा सूप रेडी हो गया है, बहुत अच्छा थिकनेस आया है, सब्जी एकदम पानी पानी, सब्जी अलग और पानी अलग नहीं हुआ है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ, फिर हम प्लेटिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, सूप हमारा रेडी हो गया है, मैंने रेडी कर दिया, प्लेटिंग कर दिया है, बहुत अच्छा बना है सूप। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइए हेल्दी लेमन और कोरिएंडर विथ वेजिटेबल सूप। अगर आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।